क्या आप जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में? हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पता लगाना कि 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है। सबसे पहले, क्या है एक कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट एक बड़ा लैंड मास है जो सराउंडेड बाय ओशन, वो उसके आसपास ओशन सराउंड करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी एक कॉन्टिनेंट ही है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमारी धरती पर मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया, एशिया पूरे के पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें हमारा प्यारा भारत, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, रशिया के कुछ पार्ट्स और 51 अदर कंट्रीज़ मौजूद है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। तो लगाना आश्चर्य, अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट को मदर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे पहले मनुष्य पाए गए थे और यहाँ का जो ओल्डेस्ट हैबिटेट भी है ये पूरी अर्थ में। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रिवर नाइल भी मौजूद है जो पूरे के पूरे 4000 माइल्स लंबी है। यहाँ बहुत सारे तरह तरह के जानवर भी मौजूद हैं जिसमें से कुछ फास्ट जानवर चीता, वाइल्ड बीस्ट, लायन और गिजल्स भी है। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका का नाम एक जाने माने फिलोसोफर से पड़ा है जिसका नाम है अमेरिको वेस्पीको। कनाडा यहाँ का सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया और दुनिया की सेकेंड सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। दूसरा यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन के मामले में सबसे बिगेस्ट है और मेक्सिको सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी रखता है जिसका नाम है मेक्सिको सिटी। यहाँ एक पुराना इजिप्शियन मंदिर है जिसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ टेनोटिटलान। ये यहाँ के माचू पिचू के पास में लोकेटेड है। साउथ अमेरिका, यहाँ भी बहुत पुराने समय से इंसानों की बस्ती रहती थी। इंटीका एम्पायर, यहाँ इक्वेडोर, पेरू, ये सब लोग भी रहते थे। स्पेनिश यहाँ की मेनली बोलने जाने वाली लैंग्वेज थी। पोर्टुगीज़ ब्राज़ील में बोली जाती है। यहाँ के गांव वाले पीपल क्वेचाऊ बोलते हैं जो यहाँ की पुरानी बस्ती वाली लैंग्वेज है। अब हम बात करेंगे एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका, ये 98% कवर है आइस से। यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। यहाँ सबसे ज़्यादा हवा चलती है और दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह है। यहाँ विजिटर्स और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और साइंटिस्ट आते हैं खोज करने और यहाँ के ग्लेशियर्स में से नई नई चीज़ें फाइंड करते हैं। यूरोप दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। वेटिकन सिटी यहाँ मौजूद है जो दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। आईफिल टावर और बिग बेन जैसी बड़ी बड़ी जगहें यहाँ ही मौजूद है जो फ्रांस में है और इंग्लैंड में है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जो पहले रशिया के पार्ट्स हुआ करती थी। यूरोप में और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो यूरोप का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का नेशनल एनिमल कंगारू है और यहाँ का लैंड मास सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एक अकेला है जो एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ यानी कि समुद्री जगह ग्रेट बैरियर रीफ रहती है। वो बहुत सारे तरह तरह के जानवर, कोरल लीव्स, उन सब से घिरी हुई है। यहाँ 350 टाइप्स के स्पेशल कोरल्स हैं, 1500 स्पीसीज़ की फिशेस हैं।
तो आपको मज़ा आया ना? तो मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।